डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समुद्रों और महासागरों का पानी खारा होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही इसकी वजह पता होगी। समंदर का पानी इतना खारा होता है कि इसे पीने के उपयोग में बिल्कुल नहीं लाया जा सकता है। लेकिन आखिर समंदर में इतना नमक आया कहां से और क्यों इसका पानी इतना खारा हो गया? इस सवाल का वैज्ञानिक जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी का है और इस पानी का 97% हिस्सा महासागरों और समुद्रों में है। अमेरिका की नेशनल ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर सभी समुद्रों से पूरा पानी निकालकर जमीन पर फैला दिया जाए तो उसकी परत 500 मीटर ऊंची हो जाएगी। लेकिन सवाल अब भी यही है कि समंदर में इतना नमक आया कहां से? समंदर में नमक आने के दो स्रोत हैं। पहला, समुद्रों में सबसे ज्यादा नमक नदियों से आता है। दरअसल नदियों का पानी समुद्र में आकर मिलता है और आपने देखा होगा कि कई नदियों का पानी मीठा होता है तो कई नदियों का पानी खारा होता है और इसी तरह समुद्र में कई तरह का पानी आकर मिलता है। जब ये पानी वाष्पीकृत होता है तो ये ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेता है और यही बादल बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। बरसते समय ये पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों के संपर्क में आकर अम्लीय हो जाता है। जब ये पानी जमीन, चट्टानों और पहाड़ों पर गिरता है तो बारिश के पानी में मौजूद लवण इसमें घुल जाते हैं। जब इन सतहों से नदी का संपर्क होता है तो ये लवण नदियों में घुल जाते हैं और ये नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। नदियों में लवणीय पानी बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए नदियों का पानी खारा नहीं लगता। लेकिन जब कई नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो इनका लवण समुद्रों में चला जाता है। लाखों सालों से नदियों द्वारा लाया गया ये लवण समुद्र में इकट्ठा होते आ रहा है। धीरे धीरे पानी खारा हो जाता है। इसके अलावा समुद्र तल की चट्टानों और ज्वालामुखी से भी समुद्र में लवण घुलते रहते हैं। साथ ही समुद्र में मौजूद सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से नमक बनता रहा है, जिस कारण भी समुद्र का पानी खारा हो जाता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस तरह तो समुद्र का पानी निरंतर और ज्यादा खारा होता जा रहा होगा, तो ऐसा नहीं होता। दरअसल समुद्र में मौजूद लवण का इस्तेमाल शल्कधारी समुद्री जीव जंतु अपनी खोल बनाने में काम में लेते हैं। इन जीवों के मरने पर ये खोल चूने के पत्थर का रूप लेकर समुद्र की सतह पर आ जाते हैं और भू सतह की हलचल से समुद्र से बाहर निकल जाते हैं। ये वही चूना होता है जिसका खनन करके घरों में काम लिया जाने वाला चूना बनाया जाता है। यही प्रक्रिया चलते रहने से करोड़ों सालों से समुद्र के पानी का खारापन वैसा ही बना हुआ है। समुद्र के जल में औसतन 3.5% लवण पाया जाता है, यानी प्रति 100 ग्राम जल में करीब 3.5 ग्राम लवण मौजूद होता है। मृत सागर में खारापन सामान्य समुद्रों की तुलना में 10 गुना अधिक है। उच्च लवणीयता के कारण मृत सागर में जीव जंतु कम ही होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हर समंदर का पानी एक जैसा ही खारा होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समुद्रों के पानी में खारापन या लवणता एक समान नहीं होती। तापमान, वाष्पीकरण और वर्षण के कारण अलग अलग जगहों के पानी में अंतर देखने को मिलता है। जैसे भूमध्य रेखा और ध्रुवों के पास के इलाकों में खारापन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन बाकी जगहों पर बहुत ज्यादा। अमर उजाला.com